भारतीय सेना में दिल्ली कैंट में तैनात शहीद गजेंद्र सिंह राजपूत का उनके पैतृक गांव आपूवाला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गजेंद्र सिंह दिल्ली कैंट में एक आर्मी टैंक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें दिल्ली के सेना अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां 31 जुलाई रात को वे शहीद हो गए थे। रविवार सुबह उनकी पार्थिव देह को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ गांव आपूवाला में लाया गया तो क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं का हुजूम गांव की गलियों में उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं ने भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद गजेंद्र तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारों के साथ शहीद की शहादत को सलाम किया। शहीद के घर आई पार्थिव देह को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। शहीद गजेंद्र सिंह के पिता कमेर सिंह एक किसान है। जब उन्होंने तिरंगे में लिपटे अपने पुत्र को देखा तो वे सुध-बुध खो बैठे। वहीं परिजनों का क्रंदन देखकर हर किसी की आंखें भर आई। भारतीय सेना के जवानों ने शहीद सैनिक की शहादत को सलामी देते हुए पार्थिव देह परिजनों को सुपुर्द किया। इसके बाद गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मैदान में शहीद सैनिक के सम्मान में सेना के जवानों ने कई राउंड फायरिंग करके उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद के 8 वर्षीय पुत्र और उनके छोटे भाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि प्रदान की। इस अवसर पर नोहर की एसडीएम श्वेता कोचर, तहसीलदार धर्मेंद्र जांदू, थाना प्रभारी सतबीर मीणा, सरपंच प्रतिनिधि कनीराम बेनीवाल, भाजपा प्रदेश मंत्री काशीराम गोदारा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाण, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रवण तंवर, नियामत अली, भाजपा देहात मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सहू, पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगेश चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य जनों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है कि शहीद गजेंद्र सिंह गत 12 वर्ष से सेना में भर्ती होकर देश सेवा में जुटे हुए थे। उनका स्थानांतरण दिल्ली कैंट से श्रीनगर के लिए हो गया था, जिसके चलते गत 27 जुलाई को ही वे अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ने के लिए गांव आपूवाला में आए थे। 2 दिन अपने गांव में रहने के बाद वे गत 29 जुलाई को वापस दिल्ली कैंट लौट गए थे। ड्यूटी पर जाते समय उन्होंने परिवारजनों को भरोसा दिलाया था कि वे इस बार दुश्मनों के दांत खट्टे करके ही घर लौटेंगे। गत 31 जुलाई शनिवार को दिल्ली कैंट में एक आर्मी टैंक की चपेट में आने से वे अमर गति को प्राप्त हो गए थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीणों ने गांव के विद्यालय का नाम शहीद गजेंद्र सिंह के नाम पर रखने और गांव में उनकी प्रतिमा लगाकर स्मारक विकसित किए जाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। चैनल डी भी शहीद गजेंद्र सिंह की शहादत को नमन करता है। सर, मैं विजय सिंह गजेंद्र सिंह का भाई बोल रहा हूँ। तो सर, भाई आर्मी के अंदर थे, आर्टिलरी के अंदर, तो दिल्ली उसकी यूनिट जा रही थी, दूसरी उसका यूनिट का ट्रांसफर हो गया था। जो मेंटेनेंस वगैरह एम टीम कर रहे थे, तो मेंटेनेंस करते हुए मतलब वो टैंक निकलवा रहे थे बाहर साइड से, तो उसमें हादसे उससे जैसे कोई मिस्टेक वजह कुछ ब्रेक वगैरह नहीं लगने की वजह से या कुछ खुद की वजह जैसे कि ऑन ड्यूटी पे उनका एक्सीडेंट हो गया, मेंटेनेंस वगैरह का। परिवार में कौन कौन लोग और कब घर आई थी? सर, काफ़ी दिन हो गए, लगभग 20-25 दिन हो गए थे, ऑन ड्यूटी थे वहाँ, तो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के गए थे और उनका यूनिट में उनको मतलब ट्रांसफर हो रहा था, उसको सबसे पहले जाना था। जैसे आपकी गाड़ी चलाते थे वो परिवार में और कौन कौन? उनके परिवार में पिताजी, भाई, मम्मी, उनकी वाइफ है, एक बच्चा है उनके। एक बच्चा कितने वर्ष का है? बच्चा 7-8 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, 3rd क्लास में पढ़ता है। कितने सालों से आर्मी में थे? सर, वो 11 साल थे।